जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशि फल लेकर। क्या कहते हैं आसमान में स्थित ग्रह गोचर आपके लिए, तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचरों के साथ। ग्रह गोचर फिर से बताना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्रोग्राम नहीं देखा है। ग्रह गोचर मतलब आसमान में जो सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु ये नौ जो ग्रह हैं वो किस किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी आपकी राशि में कौन सा ग्रह भ्रमण कर रहा है तो मेरी राशि में कौन सा ग्रह भ्रमण कर रहा है, उस स्थिति को हम ग्रह गोचर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि आसमान में उपस्थित जो स्थित ग्रह गोचर है वो और आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं उन्हीं के अनुसार आपको फल मिलता है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से फल मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब हैं और आसमान में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आपको दोयम दर्जे का मतलब हल्का सा फल प्राप्त होगा, अच्छा ग्रह होने के बावजूद भी आपको भारी फल नहीं मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में नॉर्मल ग्रह है और आसमान में अच्छे ग्रह हैं तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। और आपकी कुंडली में भी वो ग्रह बहुत अच्छा है और आसमान में भी वो ग्रह अच्छा है बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो इस तरीके से कुंडली अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही हमारे ग्रह गोचर कार्य करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति को। यहाँ भगवान भास्कर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि के अंदर विराजमान है और वहीं पर उनके भी मित्र और मंगल देवता के भी मित्र बुध देवता सूर्य देवता के साथ ही मेष राशि में विराजमान है। शुक्र देवता अपने स्वयं के घर में वृष राशि में विराजमान है। राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान है। चंद्र देवता सिंह राशि में विराजमान है। समय केतु महाराज धनु राशि में विराजमान है। शनि देवता अपने स्वयं के घर में विराजमान है। अपने घर का जो ग्रह होता है वो बलि होता है, बलवान माना जाता है। यहां पर ही मंगल देवता उच्च के होकर यानी अपने मित्र के घर यानी शनि देव जी के घर में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, यानी वो भी मकर राशि में ही विराजमान है। और यहीं पर बृहस्पति देवता नीच के होकर शनि देव जी के घर में यानी मकर राशि में ही विराजमान है। तो यह है आज के ग्रह गोचर की स्थिति। यहां मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के बार बार निवेदन करने के बाद कि आपकी बहुत सारी मेल्स आती थी कि हमें फ्री में बताइए हम पैसा देने में असमर्थ हैं, तो हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जिसकी जो लिंक है गूगल प्ले स्टोर के लिए जो उसका लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। आप वहां जाकर स्वामी प्रिंस ऋषि से अपनी परेशानियां बता सकते हैं और उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन मतलब आपसे कोई डिस्कशन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। तो आप बिना किसी झिझक के स्वामी प्रिंस ऋषि की लिंक पर जाकर उस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके पश्चात जब आप उस ऐप को खोलेंगे तो स्वामी प्रिंस ऋषि के उसमें जाकर आप अपना फोटो अपनी डिटेल अपनी परेशानियां लिखकर भेजिए। स्वामी जी आपकी आपकी जन्म कुंडली आपका चेहरा देखकर आपकी परेशानियां देखकर आपको डायरेक्टली हल आपको भेज देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 5 मई 2020 त्रयोदशी तिथि है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की, मंगलवार का दिन है। आसमान में वज्र नामक योग है और हस्त नामक नक्षत्र का उदय हुआ है। आज जो आप लोगों के लिए शुभ मुहूर्त है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं वो 11:54 से लेकर 12:42 तक रहने वाला है, जबकि जो राहु काल है जिसे हम अशुभ काल कहते हैं जिसमें हम कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं वो 3:38 से लेकर 5:18 तक शाम को रहेगा। यहां मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मैं पिछले बहुत सारे सालों से दुनिया के 133 देशों में
एस्ट्रोलॉजी का कार्य कर रहा हूं। पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग स्पेशली मुझसे मिलने आते हैं या मेरे पास इंटरव्यू लेने आते हैं या मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखने आते हैं। उसी की वजह से आज आपने यूट्यूब पर मुझको 14,80,000 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। आपने किया है सब्सक्राइब, नहीं किया तो आप देर क्यों करते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल के आइकन को दबाइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर पसंद आया तो आपको इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी अवश्य मिलना चाहिए, तो उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे कोई राय देना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो फिर कमेंट्स क्यों नहीं करते हैं आप, मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स को ध्यानपूर्वक स्टडी करता हूं और उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिप्लाई भी करता हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल के साथ। बात करते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप ही का भारी नुकसान होगा। गलती से भी किसी धर्म गुरु का, जो सच्चा धर्म गुरु, उसका अपमान ना करें, वरना धन संपत्ति और ऐश्वर्य धीमे धीमे करके नष्ट हो जाएंगे, आप कारण भी नहीं ढूंढ पाएंगे। परिवारजनों का आशीर्वाद आपके फुल टू फुल साथ है, उस आशीर्वाद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। भाई बहन भी आपको फुल टू फुल सपोर्टिव बने हो तो उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी सहयोग लेकर, उनकी सलाह मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। माता के प्रति सावधानी बरतें, माता के साथ अटकने का प्रयास ना करें, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। उनसे अटकना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, नुकसान दे सकता है। स्टूडेंट के लिए इस समय खुशखबरी है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। धनु राशि वाले व्यक्तियों को तो ये सरकारी नौकरी से संबंधित भी हो सकती है। जैसा कि आपकी ग्रह गोचर में दिखाई दे रहा है कि कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी टेंडर या सरकारी नौकरी या किसी सरकारी नौकरी के एग्जाम में क्लियरेंस, मतलब आपने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ऐसी संभावना आपके आसपास घूम रही है। मतलब ऐसी कोई खुशखबरी आपके आसपास घूम रही है। आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस जो अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करने का प्रयास करें। तो बात कर रहे थे उन स्टूडेंटों की जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर नहीं आते, तो ऐसे स्टूडेंट और उनके माता पिताओं को हम गारंटी देते हैं कि अगली साल से आपके बच्चे के न सिर्फ अच्छे नंबर आएंगे बल्कि अभी से ही उसका मन पढ़ने लिखने में धीमे धीमे करके लगने लगेगा। वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे से उपाय जो आपने साल में एक बार करना या करवाना है। इसके लिए हम आपको गारंटी भी देते हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा ही होगा। और हम बात करते हैं उन युवक युवतियों की जो बार बार सरकारी नौकरी के एग्जाम्स में बैठते हैं मगर सफल नहीं हो पाते, तो ऐसे सभी युवक युवतियों और उनके माँ बाप से कहना चाहेंगे, आप एक बार अपनी जन्म कुंडली तो दिखवाइए। अरे पता तो चले आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं, या वैसे ही आप हवा में लठगुहा रहे। और अगर योग नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं, हम आपको दूसरी डायरेक्शन में, जहां पर आपका योग है उस डायरेक्शन में आपको मोटिवेट करेंगे मजबूत करते हुए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में योग है मगर कमजोर है तो उनके उस सरकारी नौकरी वाले योग को बेहद मजबूती प्रदान करने के लिए छोटे छोटे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करेंगे। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है तो भैया हमारे पास काहे को आओगे, सरकारी नौकरी की लाइन में लगो जाके, हमारे पास आने की आपको जरूरत नहीं है सरकारी नौकरी की। मगर हम बात करें उन लोगों की, उन माता पिताओं की जिनकी संतान उनकी बेइज्जती करती है, उनका अपमान करती है, ऐसे सभी माता पिताओं से कहना चाहेंगे, चाहे आपकी संतान की उम्र 15 साल है या 55 साल, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे बताए हुए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों को साल में एक या दो बार करें
निश्चित रूप से धीमे धीमे करके आपके और आपकी संतान के मध्य उन्हें प्रेम के मजबूत बंधन बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आप रोजाना की इस अपमान और बेइज्जती से मुक्ति पा सकेंगे। तो इस सब के लिए आपने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, आप सभी लोगों ने जिनको इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों की जरूरत महसूस हो रही है वो एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं, चाहे पर्सनली मिलने के लिए, चाहे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के लिए, चाहे फोन कॉल के लिए, या फिर वो ईमेल कर सकते हैं। और अपनी जन्म कुंडली और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है अपना चेहरा दिखाकर इन वैदिक उपायों को, छोटे छोटे वैदिक उपाय प्राप्त करके अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बना सकते हैं। बात करते हैं कुछ स्वास्थ्य संबंधित, तो स्वास्थ्य संबंधित इम्पोटेंसी की समस्या यानी नपुंसकता की संभावना आपको नजर आ रही है, आप योग्य चिकित्सक से मिलकर उसकी सलाह लें। और अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहते, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हेल्प चाहिए, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं उन पति पत्नियों की जिनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है और बढ़ते बढ़ते अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से होता हुआ थाने और कोर्ट कचहरी में जाकर तलाक की नौबत लेकर आ जाता है। तो ऐसे सभी पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन को खुशी प्रदान करने के लिए, अपने संबंधों में मधुरता लाने के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर वीडियो कॉल, फोन कॉल या स्वयं मिलकर और या ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली या अपना चेहरा दिखाकर अपनी परेशानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बहुत छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपनी और अपने जीवन साथी के मध्य उन्हें मधुर संबंध बना सकते हैं और इन लड़ाई झगड़ों को, मारपीट को धीमे धीमे करके कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। You know me as Wayne, or you know me as Dr. Wayne. Before I came here, I was on a real success. I don't want to lie. That's why I said negativity became positivity, but positivity became more positive. As you know, Ref Wayne has always been a billionaire. He's always, but now I was at 2. Now I'm saying, no, I'm no more there. I'm now at 8, 9, 10. So I'm higher. And even the negative things that were happening, they've run away. So I would say, experience-wise, 100% super. It comes back again. Come and see for yourself. I would love one time just to maybe have a little workshop. It's just that I'm still convincing my guru. He says he will never leave his Shani Dev here because of they are busy. I said, no, guru, one day, just your presence. We need you in South Africa. We need guru in South Africa because of people they need to understand deeper. Jai Shani Dev. भाग्य की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य का जो फुल टू फुल सपोर्ट है सभी स्टूडेंट्स को प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य उनके साथ है, यानी सभी स्टूडेंट को साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये खुशखबरी है भाग्य की तरफ से आप धनुराशि वाले स्टूडेंटों के लिए। बात करते हैं कार्यस्थल के हालात में भी, कार्य की वजह से आपको कहीं आने जाने की संभावना नजर आ रही है ताकि आप अपने कार्य को उन्नति कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आप जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी बात, या अगर आपकी संतान इस योग्य है तो उनकी सलाह लेकर अपने कार्यस्थल में बदलाव करें। चाहे आप नौकरी के साथ या व्यापारी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बात करते हैं आमदनी के हालात की, तो आमदनी के जो हालात हैं वो खर्चों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो आपको अपनी आमदनी के बारे में सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ बात करेंगे धनु राशि वाले उन युवक युवतियों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बाल सफेद पड़ने लगे हैं, अड़ोसी पड़ोसी अंकल आंटी कहकर चुटकियां लेने लगे, तो ऐसे सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपको समझ लेना चाहिए अगर बार बार ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन है, कोई बाधा है जो आपके शादी संबंधों को नहीं मैच्योर होने दे रही है। तो इस स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली या अपना चेहरा दिखाकर शादी हो जाने के लिए, कि आपको सुंदर सा एक जीवन साथी प्राप्त हो सके,
उसके लिए जो स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं उन पर एक वीडियो कॉल, फोन कॉल या स्वयं पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराएं। चाहे तो आप ईमेल के द्वारा भी हमसे हल ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। तो हम आपकी जन्म कुंडली, चेहरा और परेशानियों को देखकर आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो आपको साल में एक या दो बार करने होते हैं, उन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में एक सुंदर सा जीवन साथी लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और अंत में हम बात कर रहे हैं धनुराशि वाले उन युवक युवतियों की जिनके प्रेम संबंधों में उनको अत्यंत लाभ हो रहा है, किंतु इस लाभ का फायदा आप जब आप परिवारजनों के साथ अपने प्रेम संबंधों के बारे में डिस्कस कर उसको मैच्योर करने का प्रयास करेंगे। और अंत में उन लोगों की बात करें जो प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो धनुराशि में कुंडली तो देखते हैं मगर उनकी असलियत में धनुराशि नहीं है, चाहे आपसी झगड़ों की वजह से, चाहे उनके बीच में कोई तीसरा घुस गया है इस वजह से, चाहे उनका जो साथी है उनको अब छोड़ना चाहता है इस वजह से, या उनके जो प्रेम संबंध है वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे इस वजह से, तो ऐसी किसी भी परेशानी से जूझ रहे किसी भी राशि के युवक युवतियां जो अपने प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस समय उन पर एक वीडियो कॉल, फोन कॉल या पर्सनली मिलने का टाइम बुक कराएं, या आप ईमेल भी कर सकते हैं। और अपनी जन्म कुंडली, अपना चेहरा और अपनी परेशानियों को बताते हुए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, जिसमें आपको कोई बकरों की बलि नहीं देनी है, कोई मुर्गों की बलि नहीं देनी है, कोई उल्लू पकड़ के नहीं लाना है, कोई स्यार सिंगी की बलि नहीं देनी है, कोई पूजा पाठ के महान प्रपंच में नहीं फंसना है, आपने बहुत साधारण सी वैदिक उपायों के माध्यम से अपने प्रेम संबंधों को उन्हें मजबूत बनाना है और उनको शादी की तरफ ले जाकर अपने जीवन में खुशियों को नया आयाम प्रदान करना है। सबसे आखिर में मैं धनु राशि वालों की ओवरऑल ग्रह गोचर को देखते हुए आज उनको 5 में से 2 स्टार देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव। Thank you.